सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है और 11वां सीजन पिछले कई सीजन से ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अभी किसी भी टीम को अगर आप कम समझ रहे हैं तो वो बड़ा धमाल करती नजर आ सकती है। आपको बता दें कि आईपीएल शुरू होने से पहले केकेआर को एक कमजोर टीम समझा जा रहा था, तो वहीं आरसीबी को एक अच्छी और ताकतवर टीम बोला जा रहा था। लेकिन अब पहले ही मैच में केकेआर ने आरसीबी को हराकर आईपीएल का बड़ा उलटफेर कर दिया है। सुनील नरेन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में अपना पहला अर्धशतक ठोक दिया है। वहीं उसके बाद मैच में केकेआर की शानदार वापसी की गई थी। अंत में जिस तरीके से आंद्रे रसेल ने महत्वपूर्ण 15 रन बनाए हैं, तो उनकी बदौलत फिर से एक बार केकेआर मैच में वापस आ गई थी। आपको बता दें, मैच जीतने के बाद केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने बड़ी ईमानदारी से डिविलियर्स और विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी बताया है। दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली से सीख लिया है किस तरीके से मैच जीतने पर उस खुशी को आपस में बांटा जाता है। इसलिए बोला जा रहा है कि कार्तिक ने मैच में इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की नकल की है। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि आईपीएल 2018 की हर ताज़ा और मज़ेदार खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।